गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूथ रिच ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी, इस बार हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे एक पीस की। तो हमारा जो फर्स्ट सवाल है उसमें ये है कि एक कॉलम सा दिया हुआ है, इसके अंदर से किसी में ए पूछ रखा है तो बाकी की तीन चीजें दे रखी है, किसी में डी पूछ रखा है तो बाकी की चीजें दे रखी है, वो हम निकालेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, बी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू 8 और ए एल से फाइंड आउट। इसमें सिर्फ ए की फॉर्मूला लगेगा ए एल का, और ये क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। किसी में ए पूछ लेगा तो इस साइड ले जाएगा, किसी में डी पूछ लेगा, इसी फॉर्मूले में रखेगा सवाल लिखना चाहिए। ए एन क्या है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे आगे 7 प्लस, यहाँ से 7 और 7 की जब 21 कितनी आ गई, 28, यहाँ पे आ गया 28। फिर है हमारा माइनस के 18, यहाँ फाइंड आउट करना है 10, ये हो गया 0। एन की ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0। ए कितना है, माइनस का 18 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 और डी है, डी निकालना है और ये हो गया 0। ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो गया 90 इज इक्वल्स टू 18 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 18 बाई 9, तो यहाँ पे आ गया डी की वैल्यू 2, यहाँ पे 2। थर्ड है हमें ए फाइंड आउट करना है और डी है माइनस के 3, 18 और माइनस के 5, वही फॉर्मूला an, an कितना दे रखा है माइनस के 5, an का फॉर्मूला क्या, तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू माइनस के 5, ये है थर्ड हमारा। a कितना है, a फाइंड आउट करना है, n कितना है 18 माइनस 1, d कितना दे रखा है माइनस के 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 5, a प्लस ये हो गया 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 51 और ये अभी हो गए माइनस के 5, a is equals to minus k 5 plus 51 is equals to 46। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 46। इसी तरीके से इसका फोर्थ देखते हैं, अब हम फोर्थ है इसका माइनस के 18.9 2.5, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है n की वैल्यू और ये हो गया 3.6, वो ये an is equals to 3.6, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 3.6, a की वैल्यू है माइनस के 18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 इज इक्वल्स टू 3.6 माइनस के 18.9। अच्छा, इस माइनस के 18.9 को साइड ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ हो गया n 1 माइनस 1 2.5 इज इक्वल्स टू 3.6 प्लस के 18.9, अगर इसमें जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 3 और 8 11 11 और 1 12 और 1 और 1 2 और यहाँ पे हो गया n माइनस 1 2.5, n माइनस 1 22.5 by 2.9, पॉइंट कट गया है यहाँ पे, घटेगा 9 और n की वैल्यू कितनी आ गई 9 plus 1 is equals to 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई n की वैल्यू 10। अब हमारा फिफ्थ बच गया है 3.5, d की वैल्यू है 0 और n कितना है 105 और ये निकाला है। अब इसमें तो बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू 0, डिफरेंस ऑफ 0 या तो कोई हमारे कोई सीरीज बनेगी, तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ n equals to, ये है हमारा फिफ्थ, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए है 3.5 माइनस एन कितना है 105 माइनस 1 और 0, 0 को किसी किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, तो an 3.5 प्लस 0 कितना आ गया 3.5, ये हमारा फर्स्ट सम था, हम सेकंड करेंगे। हमारा सेकंड सम है, choose the correct choice in the following and justifies 30 term of the APs 10, 7, 4 और क्या हो गया
30 टर्म्स का इसके क्या निकालना है, तीसरी टर्म निकालनी है इसकी, और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अब हम निकालेंगे, पहले हमारा हो गया ए कितना है 10, ए टू कितना है 7, डी निकालेंगे, डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस 10 यानी कि माइनस के 3। हमें निकालने कौन से टर्म है 30, क्या हो गया ए प्लस 30 से एकदम 29 डी, ए कितना है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3, तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 7 2 6 और 8, 87 में से 10 माइनस प्लस हो गए तो ये प्लस के 10 है और ये माइनस के 87 है, तो माइनस की संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस हो जाएगी और जो बड़ी संख्या है उसका उसका निशान आएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 77। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट है। अब इसका सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि 11 टर्म का टर्म क्या है माइनस के 3 माइनस के 1/2 और 2, इस तरीके से 11 टर्म, ठीक है। इसी हमारा ए कितना है माइनस के 3, ए टू कितना है माइनस के 1/2, डी कितना है ए टू माइनस ए वन माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3 माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गए 3, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम 2, तो हमारा माइनस के 1 प्लस 6 कितने आ गए प्लस के 5/2। अब हमें क्या निकालना है A11, A11 का फॉर्मूला क्या होगा A+10D, A कितना है हमारा माइनस के 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, ये कितने पे बैठा 5 पे माइनस के 3 प्लस 25, तो कितने आ गए 22। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड है 5
पद है 9 सही 1 बटे 2। 1 की वैल्यू कितनी है 5 और ये फोर्थ टर्म है तो 8 4 कितना हो गया 9 सही 1 बटे 2 18 1 19 बटे 2। a4 की क्या होती है a+3d = 19/2। a की वैल्यू कितनी आ गई 5 + 3d = 19/2। उसको साइड माइंड ले जाओ 3d = 19/2 - 5। एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 19 - 10 = 9/2। अब d के साथ 3 है उसका क्या करेंगे 9/2 × 3 यहां पे आ गया 3। d कितना आ गया हमारा 3/2। अब हम a को निकालेंगे, a को किसके बराबर होता है a+3। a कितना है 5 + 3/2। एलसीएम लेंगे 2 यहां पे आ गए 10 + 3 = 13/2। 6 1/2 क्योंकि 6 दूनी 12 12 और 1 जो शेष पर बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे 12 से 1 बटे 6 से 1 बटे 2। अब हम इसकी क्या करेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे a+2d। a क्या है 5 + 2 × d कितना आया था हमारा 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 और प्लस के 3 कितने हो गए 8। ये हमारा आ गया 8। अब हमारा नेक्स्ट है माइनस के 4 और उसके बाद 4 बॉक्स 1 2 3 एंड 4 और लास्ट में है हमारा 6। यानी a हमारा कितना है माइनस के 4 और 1 2 3 4 5 6। a 6 टर्म कितनी है 6। ये क्या होगा a+5d = 6। a कितना है माइनस के 4 + 5d = 6। उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया 5d 6 + 4 यानी 5d = 10। d = 10/5। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें दूसरी टर्म निकालनी है, a को क्या होता है a+d। a हमारा है -k4 + 2 - k2 यहाँ पे -k2। अब हमें थर्ड टर्म निकालने a थर्ड a+2d -k4 + 2 × 2 -k4 + 4 कितने आ गए 0। नेक्स्ट हमारा कितना आ गया 0। अब हमें क्या निकालने a फोर टर्म a+3d a की वैल्यू -k4 + 3 × 2 - k4 + 6 = 2 यहाँ पे कितना आ गया 2। अब हमारे पास निकालने पांचवी टर्म a+4d a की वैल्यू है -k4 + 4 × 2 - k4 + 8 तो कितने बच गए 4। ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट टर्म। हम है बॉक्स 38 फिर उसके बाद 3 बॉक्स है फिर उसके बाद है -k 22। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 38। तो यहाँ पे हो गया a+3 = 38। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास छठी टर्म कितनी दे रखी है -k 22। तो ये हो गया a+5d = -k 22। माइनस माइनस प्लस जब हम एक समीकरण को दूसरे में से निकालते हैं तो जो दूसरे के समीकरण होते हैं उसमें माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो गया -k 4d = 8 2 10 3 2 5 1 6 और d की वैल्यू कितनी आ गई 60/-k 4 यानी -k 15। अब पहला पद निकालना जरूरी होता है हमारे a+d = 38 a-k 15 = 38 और a = 38 + 15 और 8 5 13 और 3 1 4 1 5 यानी 53। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 53। अब सेकंड दे रखे थर्ड निकालेंगे a थर्ड a+2d a हमारे पास है 53 + 2 / d कितना आया हमारा -k 15।
यहाँ पे अगर 53 माइनस के 30 यानी 23, ये हमारे पास आ गया 23। अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a4 a+3d। a हमारा है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो हमारे पास आ गया 53 माइनस के 45 यानी 8। नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 8। अब हम निकालेंगे a5 8 + 4d। a कितना है, 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो 53 माइनस 60 और हमारे पास कितने आ गए, माइनस के 7। ये हमारा थर्ड सम था जिसमें फिर इतना ब्लैंक्स बॉक्सेस में जो फिल दे रखे थे उसको भरना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे फोर्थ के बाद के जो सम्स हैं उसको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।